राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और सारी चाय वाय से फ्री हो गई हूँ और बाकी सारे काम हो गए हैं। किचन को आज थोड़ा सा मुझे क्लीन करना था, क्योंकि किचन में वो ना आटा आज आया था, तो आटा मुझे खाली करना था। तो तभी ये रहता है ना कि अब जब आटा खाली करते हैं तो फिर ये लगता है कि सारे इस एरिया को साफ कर दें हटा करके। वैसे तो मतलब बाहर बाहर से तो करते ही रहते हैं, बीच बीच में भी करती रहती हूँ, लेकिन जब ये आटा वाटा मैं खिलाती हूँ तो लगता है कि पूरा अच्छे से एक एक चीज़ हटा करके मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू लगाई सारी चीज़ों को हटा करके, यहाँ डलिया वगैरह रखी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने लगा दिया है साथ के साथ ही पोंछा। और आज जो है ब्लॉग काफ़ी दिन के बाद मैं बना रही हूँ, कई दिन हो गए थे तो क्यों नहीं आ रहे थे ब्लॉग। एक तो यही है कि थोड़ा सा रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, बस शॉर्ट वगैरह में डाल दे रही थी, वो इस वजह से कि थोड़ी सी ना टेंशन मतलब चल रही थी माइंड में कृष्णा को लेकर के, तो उस चक्कर में मैं लगी हुई थी और थोड़ा घर में भी वही चीज़ हो रही थी और सभी लोग थोड़े से परेशान थे। जब परेशान होते हैं घर में या घर में कोई टेंशन हो जाती है तो फिर अपना अपना जो दिमाग है ना वो काम नहीं करता है, बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, फिर दिमाग भी नहीं करता है कि कुछ करूँ बिल्कुल भी। खासकर मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, जब थोड़ी सी भी घर टेंशन हो जाती है, कुछ बात हो जाती है, तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आते, ना ही मैं फिर कर पाती हूँ। तो वही चीज़ है मेरे साथ, तो इसी वजह से थोड़े से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जो है वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है। तो थोड़ी सी मतलब अभी मेरा दिमाग सही है, मतलब पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अभी थोड़ा सा मैं संतुष्ट हूँ थोड़ी चीज़ों से लेकर के। तो फिर मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ब्लॉग बना ही लेते हैं। तो बस यही देखिए, सारे जो मेरे डब्बे हैं और इनको मैं साफ़ कर दूँगी, मतलब गीले कपड़े से मैंने इनको पोंछ दिया है। तो बस इसी तरीके से मेरी जो है ना क्लीनिंग हो गई है। अभी ऊपर की स्लिप मैंने नहीं पोंछी, पहले मैंने कहा ऊपर, और जो थोड़ा सा आटा ना एक्स्ट्रा था तो मैंने थोड़ा सा एक भगोने में उसको खाली कर दिया, जिसके पहले उसको यूज़ करूँगी, उसके बाद में जो डिब्बे में खिलाया है वो बाद में यूज़ करेंगे। तो बस लगे हाँ, तो नीचे का तो हो ही गया है और ऊपर की गैस वैस ये वाली स्लैब भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सारे काम हो गए थे, बस इसके बाद मुझे नहाने ही जाना है। तो चलिए, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को करने में, और मैं हमेशा आपको बताया मैं किचन कभी एक साथ नहीं करती हूँ, क्योंकि किचन को काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, किचन का काम आपको करने बैठो ना तो बहुत ज़्यादा रहता है, सफाई भी बहुत हो जाती है, तो और एक साथ करते हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं तो सही सच में तो मेरे हाथ पर फूलने लग जाते हैं, तो मैं हमेशा कुछ कुछ हिस्सा ही करती हूँ। जैसे अभी आज मैंने नीचे वाला कर दिया, अभी मैं सोच रही हूँ ऊपर वाले डिब्बे वगैरह भी एक बार मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, मतलब अच्छे से साफ़ करूँगी उनको, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि अब दीदी आपके जो किचन है वो किस तरीके से आप क्लीन करते हो, मतलब सब आपकी किचन बहुत साफ लगती है, आपके डिब्बे भी साफ लगते हैं, तो मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपके साथ में कभी ना सोच रही हूँ अभी अगले राउंड में करूँगी ऊपर वाला हिस्सा, तो वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मतलब झाड़ू लग चुकी है और सारी किचन क्लीन हो गई है, और यहाँ मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि क्या था ना कि मैंने झाड़ू वाड़ू यहाँ लगाई थी स्लिप के नीचे, पोछा वोछा लगाया था तो गीले गीले से मैं मिट्टी विट्टी चिपक गई थी, तो मैंने अच्छे से सर्फ वर्फ डाल के उसको मुझे धोना है, तो पहले पानी डाल दिया है जिससे कि थोड़ा सा फूल जाए वो जो भी गंदगी है, और उसके बाद में जो भी बर्तन थे चाय के या जो भी मतलब राघव के लिए बनाया था टिफ़िन वगैरह उसके थे, तो जो भी बर्तन थे वो भी मैं साफ़ कर लूँगी, तब तक वो मैल जो है ना जो भी होगा वो फूल जाएगा। हालाँकि मैल तो ज़्यादा नहीं रहता है, रोज़ ही रोज़ साफ़ करती धुल देती हूँ मैं तो, लेकिन फिर भी जो भी रहता है। और हाँ, तेल भी खाली किया था तो उसका भी चिकना चिकना हो गया था, तो वो बिना सर्फ के नहीं आता, मतलब जो सरसों का तेल है हम एक साथ पिस मतलब वो करवा लेते हैं, तो उसको छोटे उसमें खाली करवाया था मैंने इनसे, क्योंकि काफ़ी भर रहा था तो मुझे डर लगता है कि कहीं फैल ना जाए। तो चलिए, ये सारे काम हो गए, मैंने किचन विचन क्लीन कर ली थी, अब मैं नहा करके पूजा करके आ गई हूँ किचन में। तो अभी आज मैं ना बहुत मतलब एक अलग सी सब्जी बनाने जा रही हूँ, नई सब्जी है जो कि मेरे यहाँ साल में एक या दो बार ही बनती है, लेकिन बनती है तो पूरी मतलब साफ छटाछट हो जाती है और कम पड़ जाती है, खास बात है। तो चलिए, वही सब्जियाँ शेयर करने वाली हूँ। तो वो मैं दिखा रही थी कि मैंने सब्जी ली और आलू लिए हैं मैंने चार, तो सब्जी आपको गौर से मतलब पास से दिखाऊंगी कि क्या है वो। तो आलू ना आलू में छील ले रही हूँ, आप इसको बिना आलू के भी बना सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आलू के साथ थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिए हैं, आलू को पानी में डालना है, धुलना है, आलू काले पड़ जाते हैं इसलिए, तो बस यहाँ पे आलूओं को मैं धुल देती हूँ, थोड़ा पानी में ही इनको डाली रहूँगी क्योंकि थोड़ी देर में इनका नंबर आएगा। तो चलिए, यहाँ पे हो गया, और तब तक अभी मैं सब्जी आपको कट करके दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। तो ये है देखिए, ये सब्जी है कुंदरू की सब्जी, शायद आप लोग जानते होंगे कुंदरू जो होते हैं,
कुंदरू बोलते हैं, कहीं कुंदरू बोलते हैं, पता नहीं क्या होता है इसका नाम। तो ये वाली सब्जी जो है बहुत हेल्दी होती है, बहुत हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने धो लिया था 2-3 बार अच्छे से, और यहाँ बीच में से आपको 4 पीस इसको लंबे लंबे पीसों में कट कर लेना है। मुझे याद आया कि मेरे हाथ में पिन लग गया तो मैंने उसको निकाला, तो ऊपर नीचे की साइड थोड़ी थोड़ी काट के ना इसको आप कट कर लीजिए। और ये पता है ऐसे भी खा सकते हैं इसको, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था कच्चा ही खाने में। तो यहाँ पे इस तरीके से काट, थोड़ा हल्का हल्का खट्टापन होता है इसमें हल्का सा, तो इस तरीके से ये 4 पीस में इनको कट कर लीजिए। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी को कट कर लिया, ये लगभग आधा किलो थे शायद, हाँ आधा किलो ही थे। और यहाँ पे 4 आलू लिए थे, उनको भी मैं कट कर लेती हूँ। आलू आप चाहे तो लंबे साइज़ में कट कर सकते हैं या छोटे साइज़ में, तो मैंने थोड़ा छोटा साइज़ रखा है इसका, आप चाहे तो लंबे पीस में भी कट कर सकते हैं। देखिए आलू यहाँ हमारे कट हो चुके हैं, इनको पानी में रहने दूंगी, काले पड़ जाएंगे इसलिए। अभी यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखी है और उसके बाद में मैं यहाँ पर कर रही हूँ सरसों का तेल। तो इस वाली मैंने ना खलवा लिया था, खाली करवा लिया था थोड़ा बड़ी में से, तो तेल गरम करने को लिए छोड़ दिया है। और यहाँ कृष्णा मुझसे कुछ बात कर रहा था इसलिए मतलब मैं हंस रही थी, तो उससे बातें करती जा रही हूँ और अपना काम करती जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इस वाली सब्जी के साथ मैं चावल बनाऊँगी आज। चावल बहुत अच्छे लगते हैं, बाकी आप किसी से भी खा सकते हैं, रोटी से खाइए, पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, बट चावल के साथ भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इधर जब तक चावल गलने डाल दे रही हूँ और इधर हमारा जो है वो तेल गरम हो चुका है। उसके बाद में देखिए तेल गरम होगा ना, तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, आप सैलो फ्राई इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे धुल के सॉरी कट के और फिर तेल गरम होने के बाद आप इनको फ्राई कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है, मतलब एकदम बहुत ही रिच वाली फ्लेवर आती है सब्जी में। तो चलिए यहाँ पे जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे बूंदी का गाढ़ा गाढ़ा सा रायता भी बनाना है। तो मैंने दही ले लिया है, दही को फेंट लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी करके ना इसमें मैं डालूँगी बूंदी। बूंदी मेरे पास वैसी वाली है जो पुदीने वाली, तो वो डालूंगी। तब तक बीच बीच में मैं अपनी सब्जी को ना चलाती जा रही हूँ। गैस के फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है, ज़्यादा मतलब सिम भी नहीं रखा और ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखा है, थोड़ा सा मीडियम रखा है। तो इस तरीके से बीच बीच में आप चलाते जाएंगे, ढकने से ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी से फ्राई भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी हम डाल देते हैं रायते में बूंदी। तो लीजिए यहाँ पे रायता हमारा जो है वो तैयार है, इसमें और कुछ ना डालें तो भी चलेगा। तो मैंने इसको मिक्स करके थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें भुना हुआ जीरा, जीरे में साथ ही हींग भी भून लेती हूँ ना मैं, तो इस तरीके से डाल देते हैं। इसमें डाली है थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची, और अभी नमक नहीं डालूंगी क्योंकि खट्टे होने का डर है। अभी इसको ना थोड़ी देर फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने चॉपर में चॉप कर लेना है, मतलब चाहे तो आप बारीक कट कर सकते हैं और या फिर आप चॉपर में भी कर सकते हैं। तो मैंने ना एक बड़ा सा बड़े साइज़ के लिए, ज़्यादा प्याज इसमें नहीं अच्छी लगती है। तो प्याज को मैंने यहाँ चॉप कर लिया है, थोड़ा बारीक ही किया है, और इसके बाद इसको मैंने खाली किया एक बाउल में। और उसके बाद में ना यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं मैंने, बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ज़्यादा टमाटर नहीं डालना है क्योंकि क्या है कि ये जो है ना ये जो कुंदरू होते हैं थोड़े से खट्टे भी होते हैं और टमाटर भी मेरे अच्छे खट्टे हैं, इसलिए मैंने 2 ही टमाटर लिए, ज़्यादा नहीं लिए। तो टमाटर को भी मैं यहाँ पे इस तरीके से चॉप कर लूँगी और बीच बीच में अपनी सब्जी को भी मैं चलाती जा रही हूँ। ऑलमोस्ट सब्जी जो है हमारी फ्राई हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके से सब्जी का कलर जो है वो चेंज हो जाता है कुंदरू का, ये देखिए, और ये मतलब पक भी गए हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए, कलर भी बहुत अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, गर्म है बहुत ज़्यादा तो मैंने चाकू से आपको काट के दिखाती हूँ कि एकदम से ना अच्छे सॉफ्ट हो गया है। तो बस इस स्टेज पे आपको इसे निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं इसको निकाल देती हूँ एक बर्तन में, और इसी तेल में ना हम अपने जो आलू हैं, आलू कट करके रखे हैं, हम उनको भी ऐसे ही ना फ्राई कर लेंगे सैलो फ्राई। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू को हमने ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा है, थोड़ा मीडियम साइज़ का और पतला ही काटा है उसको। तो बस इसी तरीके से हम इसमें अपने आलू भी डाल देते हैं और उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जी देखिए आलू को चेक कर लेते हैं और आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अच्छे से इनका कलर आ गया है।
तो इस तरीके से सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है और सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मतलब एकदम होटलों वाला ना सब्जी का लुक और टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे तेल ज़्यादा था, मैंने तेल को निकाल दिया है, इतना तेल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्राई सब्जी जब बनाते हैं फ्राई करके तो उसमें वो भी थोड़ा सा तेल छोड़ती हैं सब्जी में, मतलब पानी डलने के बाद, तो इसलिए मैंने तेल को बहुत कम रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ज़ीरा, और आप चाहें तो इसमें साथ में राई भी डाल सकते हैं, बट मेरे राई का टेस्ट ना मेरे राघव को थोड़ा कम पसंद, इसलिए मैंने ज़ीरा ही डाला है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो प्याज को चॉप करके रखा था उसको मैंने डाल दिया है और उसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैंने अदरक का जो है पेस्ट किया, अदरक को मैंने कस लिया था वो डाल दिया। आप लहसुन खाते तो लहसुन का पेस्ट भी इससे अगर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेंगे और ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा प्याज को डार्क भूनते हैं ना तो उसका टेस्ट सब्जी का बिगड़ जाता है। तो बस यहाँ पे इस स्टेज पे देखिए, मैं बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे, कैमरा मेरा ऑन नहीं हुआ था और मैंने ये वीडियो यहाँ चालू कर, मतलब सारी चीज़ें मैंने डाल दी। क्या किया मैंने, देखिए प्याज भूनने के बाद ना एक चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला था, उसको भूना, उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो टमाटर को करके रखे थे चॉप उनको डाल दिया, और साथ ही डाले थे मसाले, मसाले में मैंने हल्दी धनिया और मिर्ची बस ये डाला था। और यहाँ पे देखिए, जब उसके बाद में इसको मैंने टमाटर की जो प्यूरी है ना इसको पकाया प्याज के साथ में, जैसे कि देख सकते हैं कढ़ाई छोड़ने लगी अच्छे से, इस तरीके से पकाया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। लेकिन क्या करूँ, इतनी कि वो ना फिर मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा वीडियो मैं कैसे छोड़ सकती थी, तो मैंने आपको बता दिया वही चीज़ थी सेम, वैसा कुछ नहीं। और उसके अलावा अब मैंने यहाँ पे जो जब प्यूरी हमारी टमाटर अच्छे से पक गए, तब उसके बाद में मैंने ये जो है अपने कुंदरू और आलू को डाल दिया है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे इसमें ना एक बड़ा चम्मच ली है फ्रेश मलाई घर की, आप इस स्टेज पे दही भी डाल सकते हैं या मलाई डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दही इसलिए नहीं डाला कि टमाटर जो थे ना मेरे काफ़ी अच्छे खट्टे थे, तो सब्जी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाती, तो मेरे घर में थोड़ी कम खट्टी पसंद करते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप दही भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मलाई भी, जो भी आप चाहें वो डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पे सब्जी को आप ऐसे खाना चाहते हैं तो ऐसे भी सब्जी खा सकते हैं, बट मैं यहाँ ग्रेवी वाली बना रही हूँ क्योंकि चावल जो है बनाने हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पे दोनों ही सब्जी दोनों तरह से अच्छी लगती है, चाहे ड्राई बनाइए सूखी वाली या फिर आप इस तरीके से ग्रेवी वाली बनाइए। तो मैंने यहाँ पानी किया है, थोड़ा सा पानी और करूँगी, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आप पानी कर दीजिएगा सब्जी में, और जितना भी आप ग्रेवी रखना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे हम नमक, नमक हमने थोड़ा सा टमाटर में भी ऐड किया था पकने टाइम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिसाब का नमक ऐड किया। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें कसूरी मेथी भुनी हुई, मैंने कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून लिया था और उसके बाद में इसमें ऐड कर रही हूँ, तो इससे खुशबू भी अच्छी आती है। दूसरा, अभी इन दिनों बरसात के टाइम में कसूरी मेथी थोड़ी सीली सीली सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको भून लिया तो ये अच्छे से क्रंची हो गई थी। तो यहाँ पर हमने इसमें कसूरी मेथी डाला बस। उसके बाद में अब सब्जी को हम अच्छे से ढक करके ना पकाएंगे, यानी पक तो वैसे ही गई है, उसमें अच्छे से बॉईल लाएंगे जिससे कच्चापन ना रहे, बढ़िया से सब्जी पक जाए लगभग 5 मिनट के लिए। तब तक हम चावल रख देते हैं चढ़ाने के लिए, चावल हमारे अच्छे से गल गए थे, 15-20 मिनट हो गए चावल को, तो चावल गल गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने चावल कुकर में ही मैं बनाती हूँ, तो कुकर में ही मैंने डाल दिया, जितने चावल उतना है उसका डबल मैं पानी रखती हूँ जस्ट, साथ घी डाल के थोड़ा सा चावल को पका लेती हूँ। तो चावल चढ़ा दिया है, यहाँ पर देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी पक गई है, थोड़ा सा पानी भी इसका मतलब जल गया हल्का सा। दूसरा, जब वो जो हमने बेसन डाला था ना उसे ग्रेवी थोड़ी सी थिक हुई है पानी से, सॉरी बेसन से, तो इसलिए बेसन इसमें आप थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैंने बताया था एक चम्मच बस छोटी वाली। इसके बाद मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है थोड़ा सा, और मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर, बस ये डाला। अब यहाँ पे सब्जी हमारी ऑलमोस्ट तैयार बिल्कुल हो चुकी है, साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, और ये सब्जी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको क्या है बताऊँ, तो हेल्दी पौष्टिक बहुत होती है, दूसरा टेस्टी बहुत लगती है, यानी कम पड़ जाती है इतना है। तो यहाँ पर बस उसके बाद में सब्जी वगैरह बन गई, और मैंने यहाँ पर थी गैस वैस क्लीन की, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है जब हम कोई काम ज़्यादा करते हैं ना, तो सारी चीज़ें फैला फैली होती, तो मैंने गैस क्लीन किया और स्लैब को क्लीन किया। उसके बाद में मैं आटा जो है, आटा पहले ही लगा के रख दिया था, आपको पता है मैं आटा जो है गला के रख देती हूँ पहले से ही, तो उसके बाद में बस रोटी बनाती हूँ, तब उसको आटे को अच्छे से घुमड़ के और फिर रोटी बनाती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ रोटियाँ, जो सब लोग खाने को तैयार बैठे हैं कि जल्दी जल्दी से खाना बनाइए और हम लोग खाएँगे। तो चलिए रोटियाँ सेक लेते हैं। तो जी अब लगा लेते हैं यहाँ पे प्लेट, तो देखिए हमारी सब्जी जो है वो कितनी अच्छी
लग रही है, मतलब देख के ही मन कर रहा है खाने का। और सच में उतनी ही ये टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए, ये सब्जी बता रही हूँ ना मैं, मतलब साल में एक या दो बार ही मैं बनाती हूँ, लेकिन पसंद बहुत सब लोग करते हैं, वही है। तो चलिए, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें रायता। रायता भी हमारा अच्छे से बूंदी फूल गई थी। उसके बाद डालते थे इसमें चावल। चावल भी देख सकते हैं आप कितने खिले खिले बने हैं कुकर में भी। तो यहाँ पे चावल रख देते हैं। उसके बाद में मैं रखती हूँ यहाँ पे रोटियाँ। लग रही है ना थाली, बहुत टेम्पटिंग, खाने का मन कर रहा है देखने में। मतलब मैं दूसरे दिन ये मतलब वीडियो एडिट कर रही हूँ, और मुझे सच में अभी भी खाने का, सब्जी इतनी अच्छी बनी थी कि मन कर रहा है। साथ में प्याज रखी है और थोड़ा सा रख दिया है मिठाई, क्योंकि हम लोगों को ना मिठाई की आदत बहुत होती है, खाने में मीठा ज़रूर होना चाहिए खाने के बाद में। तो पेड़े रखे थे तो मैंने दो पेड़े रख दिए हैं। तो चलिए, थाली हो गई हमारी तैयार। बस अब आप लोग भी आ जाइए, मैं आपको थाली दिखा रही थी कि आ जाइए आप लोग, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। उसी के साथ ना मैं देती हूँ सब लोगों को, और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग को एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बच्चे भी तैयार।